दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर जो अपडेट निकल के आ रही है, मार्केट जो है वो पुट की तरफ जा रहा है और पुट का सपोर्ट तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 45,600 सी और 45,600 सी 3 अगस्त और 27 जुलाई का जो कॉल है, ये कॉल 424 डिग्री यानी 450 डिग्री की ओवर बॉट के जोन की तरफ जाएगा। सीधा सीधा पुट नहीं मिलेगा यहाँ। अब देख लो यहाँ पर मैं ना कुछ चार्ट मैं आपको ग्रुप में भेजता हूँ मेरे, और ये ग्रुप में चार्ट जो भेजता हूँ ना, ये 400 के बाद में अगर मान लो इसको बाय करने का कोई बोल रहा है, बता रहा हूँ मैं आपको, मैं बता रहा हूँ आपको मैं कि ये वाला कॉल 45,600, बराबर 45,600 का लोअर जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोअर 385 से 366 तक का इसका लोअर है। 355 लोअर, बराबर। तो ये है ना, मैं कैसे करता हूँ ना, ये मान लो सीखना आपको, तो इसके लिए ना मेरा कोर जो है ना ये आपको अवेलेबल मिलेगा, बराबर। तो ये अवेलेबल मिलेगा आपको मेरे ग्रुप के अंदर। तो ये मेरे ग्रुप के अंदर मैंने डाल दिया अभी, और ये देख लो यहाँ पर मेरे ग्रुप के अंदर 395 का लोअर, 355 मैंने 45,600 27 जुलाई का मैंने डाला है। कौन सा डाला है? 27 जुलाई का। जबकि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर रजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, यानी मार्केट में 45,200 की 46,200 की स्ट्राइक, 46,300 की स्ट्राइक, ये रजिस्टेंस बनाने के लिए जा रही है 45,821 पर। जबरदस्त है ना मार्केट, कब पुट करता है कब कॉल करता है। यहाँ पर पुट के अंदर जब 400 का ब्रेकआउट लेने के लिए आपको खड़े है, तो ये है ना 45,700 बहुत है, जो 700 की स्ट्राइक है ना ये क्या करती है, 400 BC करती है, और 400 BC करने के बाद में क्या करती है, ये इधर लेके आती है, यानी 45,800.40 जो है ये है उसका मैक्स पॉइंट, यानी 45,500 का और 45,800 का दोनों का मैक्स पॉइंट 45,800.40 हो जा रहा है। यहाँ पे 400 डिग्री तक की यहाँ पे कॉल पुट रेशियो के हिसाब से यहाँ पर सी होती है। जबकि डाउन जोन्स के अंदर यहाँ पे यू दिखाया गया, सॉरी एसजीएक्स अंदर यू दिखाया गया कि एसजीएक्स अंदर यू दिखाया गया कि लोगों को अट्रैक्ट किया गया पुट की तरफ, तो पुट की तरफ लोगों ने जिस तरह से बाय ऑर्डर रखे, तो पुट में यहाँ पर जैसे पुट में 400 के बाद में ब्रेकआउट, जैसे मैंने बताया अभी कि 45,600 का पुट 27 जुलाई का 400 रुपये का ब्रेकआउट, जैसे ही 400 रुपये का ब्रेकआउट लेकर दिया लोगों ने, तो 433 का ब्रेकआउट उसके असर लिया नहीं है, लेकिन इसके पहले ना इसी इस चैनल को लेकर इस चैनल पर रजिस्टर करने जाना पड़ता है एसजीएक्स को, और एसजीएक्स जब रजिस्टर करता है ना, तो 100% यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है ना वो भी रजिस्टर करता है। इसलिए मैंने क्या किया कि पुट की जो एसएल थी ना वो एसएल को मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर, और ये जो है ना यहाँ पर प्रॉफिट चलने वाला है, यानी 400 BC नीचे का टारगेट कर दिया है किसी ने, तो ये 420 ऊपर का टारगेट हिट कर देगा। क्या करेगा? 420 ऊपर का, बिकॉज के यहाँ पर जो प्रीमियम है वो 425 तक के प्रीमियम है, बराबर, सॉरी। तो और हाई 424, तो ये 424 45,600 का हाई, यानी इसका हाई, इसका टारगेट टारगेट 425, 433, बराबर। तो ये इसकी तरफ जाएगा क्या निकालो, तो ये क्यों जाएगा, बिकॉज के एसएल खाने के लिए जाएगा, तो 400 हिट हो गया यहाँ पे, तो 408 यहाँ पे हिट हो गया, ये यहाँ पे हिट हो गया 408। अब देख लेते हैं कहाँ पे हिट होता है ये वाला कॉल, यहाँ पर कॉल चलते जाएगा चलते जाएगा, लाइव मार्केट का सेशन है। यहाँ पर आप मान लो सीख रहे हो, तो इतना जरूर बता दूं मैं कि आप अगर मान लो सीख रहे हो तो आपको ये पेपर ट्रेडिंग करना बहुत जरूरी है। अगर पेपर ट्रेडिंग आपके माइंड में आ गई ना, तो समझ लो कि 100% एक्यूरेसी मिलेगी आपको यहाँ पे। तो 100% एक्यूरेसी चाहिए, तो इस तरह से मार्केट के लेवल आपको पता होने चाहिए, दूसरा मार्केट का प्रीमियम आपको पता चलना चाहिए, तीसरा आपको डिग्री के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर डिग्री जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस काम करती है। क्या करती है? बहुत इंपॉर्टेंस काम करती है। देख लो यहाँ पर कैसे गया, 44,772 पर गया कि नहीं गया। अब यहाँ पर जाने की वजह क्या है बताओ आपको, मेरे लोगों ने ना यहाँ तक की पुट लेके रखी हुई है, और पुट को क्या कर रहा है, डीके कर रहा है, पुट जैसे एसजीएक्स ने जैसे पुट दिखाई ना, तो ये है ना 45,836 का टारगेट कर देगा यहाँ पर सीधा, यानी इस चैनल के करीब। ये पूरा एसएल जोन है ना, ये पूरा एसएल जोन, एसएल जोन किसका है, पुट का जोन है।
ये जब जब मैं चेक्स बनाता हूँ ना, तो इतना जरूर बता दूँ आपको कि ये पुट कैसल जोन है। दूसरी चीज के ये जो जोन 190 का, उसका मतलब 46,200 वाला जो है ना पुट राइटिंग कर रहा है यहाँ पर, वो पुट का प्रीमियम डिके कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है मार्केट के अंदर, कि आपने मान लो कि समझ में नहीं आया ना, तो समझ लो कि प्रॉफिट बुकिंग जो है ना आपको फटाफट फटाफट करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत है यहाँ पे, 433 का यहाँ पे हाई है, तो 424 का आपको यहाँ पे एक रजिस्ट मिला। अब 433 का भी वहाँ पे दूसरा एसएल लगाया हुआ, ऐसा नहीं है कि एकदम से मान लो कि भैया एकदम से आप मान लो जंप मारोगे ना मार्केट के अंदर, तो कुछ नहीं हासिल होगा। 424 के बाद में 433 का रजिस्टेंस होता है यहाँ पे, सीधा नीचे नहीं आता। अब इतने से के लिए नीचे आके कोई फायदा नहीं है ना, यहाँ पे आ रहा है तो इधर गुलाट मार के यहाँ पे रजिस्ट को करके, इसके बाद में यहाँ पर सोचेंगे कि ये 366 का जो मान लो सपोर्ट बनाता है ना, तो मान लो कि वहाँ पर हमें एंट्री लेनी है। अब देख लो ये 415 पर वापस आ गया, 424 का टारगेट लेगा, उसके बाद में क्या करेगा, उसके बाद में ये ऊपर जाएगा। क्या निकलो कि 440 का इसका टारगेट इसने हिट कर दिया, 440 का इसने टारगेट हिट कर दिया। देख लो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, 436 का टारगेट हिट कर दिया, 436 का टारगेट हिट, 436 टारगेट हिट, 436 हिट किया यहाँ पे। तो 436 के हिट के बाद में क्या बनता है, कि यहाँ पर जो अपना पेपर ट्रेडिंग है ना जो भी, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एक बार इसको क्लोज कर देना है। क्या करना है इसको आपको, क्लोज करना है। ये होती है मॉर्निंग की अपडेट, कहने का मतलब कि आपने यहाँ पर मान लो, अगर मान लो क्लोज कॉल क्लोज किए ना, तो ये धड़ 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 है ना प्रीमियम नीचे लेगा। लेकिन इसका जो सपोर्ट है ना, 550 सपोर्ट है, 550 नहीं, 575 इसका सपोर्ट है, ये 575 पर जाकर बाद में रिवर्स मारेगा। उसका मतलब क्या है कि मार्केट वापस से बाउंस मारने वाला है नीचे गिरा कर। अभी क्या कर रहा है वो, 400 के करीब आ रहा है, यानी 400 के करीब आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसे एक बार, है ना, नहीं निकालने की जरूरत नहीं, इसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो और एक सी की एंट्री बनती है, पहली बात तो ये नीचे नहीं गिरेगा, ये वापस से ऊपर जाएगा डबल टॉप देने के लिए, बिकॉज के यहाँ पे पुट के जो टारगेट है, वो पुट के टारगेट 400 के बाद के बाई के है। यहाँ पर पुट के टारगेट है ना 400 के बाई के टारगेट, 43,600, 400 के ऊपर वापिस से बाइंग में आएगा यहाँ पर। तो 43,400, 43,600 का सी जो है ना, तो जिसने 436 का भी हाई दिया, वो 400 ना 45 का वो भी हाई दिया जाएगा। वो क्यों, क्योंकि वहां पर 90 है, वहां पे 9 चौक 36 यानी 360 डिग्री, दूसरा यानी 360 डिग्री, 360 डिग्री, 772 डिग्री, तो 720 डिग्री वापिस जाता है। तो 45,600 की जो एंट्री है ना यहाँ पर वापिस बनती है, पहली बात तो 45,600 की एंट्री यहाँ पर वापिस बनती है ऊपर से प्रॉपर्टी बुक करने के बाद में। तो एक प्रॉफिट मिला, एक बार टारगेट मिला आपको 27 जुलाई की, यानी 4 बार आपको टारगेट मिलते हैं। कितनी बार मिलते हैं आपको, 4 टाइम आपको टारगेट मिलते हैं यहाँ पे, एक बार नहीं मिलता है यहाँ पे टारगेट। यहाँ पे आप 900 भी क्वांटिटी लेते हो ना मान लो विदाउट रिस्क, कोई रिस्क नहीं, रिस्क तो नीचे है ना, ऊपर थोड़ी ना रिस्क। तो ये मान लो आपने यहाँ पर एंट्री ली, तो भी आपको क्या करेगा वो, मार्केट आपको ऊपर की दिशा की तरफ ले जाएगा, 414 के करीब आपको लेके जाएगा और वापिस से बाइंग में जाएगा, और 421 का आपको ब्रेकआउट देगा। इसको कहते हैं ट्रिपल टॉप। तो देख लो यहाँ पर क्या चल रहा है, आप देख सकते हो। तो ये जो 8 मिनट की वीडियो है, इसके अंदर मैंने आपको 100% एक्यूरेसी मैंने आपको कॉल की दी, और इतना अच्छा दिया है कि मार्केट घुमा फिरा कर पुट करता है, सीधा पुट कभी नहीं करता है। 435 का डबल टॉप है यहाँ पर, और 435 के डबल टॉप के बाद के अंदर मार्केट में पुट होने वाली है, समझ लो। तो ये तो 418 जा रहा है, यहाँ पे तो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ है और पुट की तरफ भी है, दोनों की तरफ है, मार्केट साइड वेज है पूरा। तो ये पूरा जो प्रॉफिट है ना, ये पूरा प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट है कि भैया आपको है ना यहाँ पर, जैसे यहाँ से कोई बंदा बोल रहा है कि यहाँ से पुट होने वाली है, देख लो अभी लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो पढ़ा लिखाया ज्ञान जो मार्केट के अंदर होता है ना, जैसे तो कोई बंदा जो ये बोल रहा है ना कि यहाँ से पुट होने वाली है, चलो यहाँ से पुट होने वाली कोई बंदा बोल, तो ये जो रजिस्ट्रेंस बना है ना, तो ये रजिस्ट्रेंस जो है ना 1 घंटे का ब्रेकआउट या 15 मिनट ब्रेकआउट बना हुआ है। अब यहाँ पे जब रजिस्ट्रेंस बन जाता है, डबल टॉप बन जाता है, तो मार्केट को गिराने का दिमाग में नहीं होता है, मार्केट को चढ़ाने कैसा वो दिमाग में होता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई सी की तरफ चलो, स्ट्रॉन्ग बाई सी, स्ट्रॉन्ग बाई स्पॉट सी, और 27 जुलाई सी विथ एसएल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अभी ट्रिपल बॉटम दे चुका है, ट्रिपल बॉटम के अंदर क्या है कि मार्केट सी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर है ना सी बनता है, पी नहीं बनता है यहाँ पर। ये अगर मान लो ट्रिपल बॉटम ले लिया यहाँ पर, तो मार्केट को स्ट्रॉन्ग बाय करके यहाँ पर जाना पड़ता है एसएल खाने के लिए, और एसएल खाने के लिए यहाँ पर जाना पड़ता है। तो आशा रखता हूँ कि मैं कौन सा कॉल दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया मैं आपको 27 जुलाई का मैं कॉल दे रहा हूँ,
और 45,800 का सी दे रहा हूँ, चलो 45,800 का सी, 45,800 का सी, 315 का टारगेट यहाँ पे, बराबर 315 टारगेट, 322 टारगेट, और टारगेट है 335, 335 टारगेट यहाँ पे, बराबर। तो ये होता है 315, 315, 322, 336 टारगेट। तो ये क्यों दिए, और एसएल जो है आपको लगानी है इसके अंदर 295 की एसएल। तो ये एसएल क्यों दी, बिकॉज कि एसएल लगाना जरूरी है, एसएल अगर नहीं लगाते हो तो ये कहीं वापी डबल बॉटम देने के लिए नीचे जाएगा नहीं, यहाँ पे डिग्री को 140 डिग्री को, 140 डिग्री डबल बॉटम एसएल होता है, एसएल होता है। और टारगेट फिक्स, टारगेट फिक्स ये क्यों बताया, बिकॉज कि मार्केट अंदर यहाँ से मान लो कि बंदा बोल रहा है कि इधर से ना पुट बाई करनी है, तो पुट बाई नहीं होगी, वहां से कॉल बाई होगी यहाँ से। अब एक बार मान लो ये चैनल बन गई, सो बन गई, अब बन गई, अब फंस गया यहाँ पर, जो सेलर से ना यहाँ पर फंस गया, और सेलर जो फंस गया ना, तो समझ लो न्यू पीपल पेपर ट्रेड, तो यहाँ पर है ना मैंने टारगेट दिया है कि जो लोग बंदे लोग नए नए ज्वाइन हो रहे हैं मेरे पास, समझ लो तो इसे है ना 330 पर इसको बेचना है, 330 सेल पेपर ट्रेड, बराबर। ये इसलिए लिखा ताकि बिगनर से यहाँ पर, और जो नए नए बिगनर्स होते हैं जिनको सीखना है, ये होती है वन कॉल उनके लिए। कई जो लोग सीखते हैं ना मेरे पास, तो उनके लिए वन कॉल होती है यहाँ पर। जैसे भी एट सी दिया मैंने 27 जुलाई का 45,800 का, तो 45,800 इसलिए दिया बिकॉज के मार्केट जो है ना अभी 45,700 ये जो है ना सपोर्ट बना चुका है। अब कोई भी बंदा ये बोलेगा कि 750 डिग्री का ये मान लो टूटता है तो 200 का प्रीमियम चलता है वहाँ पे, तो 200 का प्रीमियम, 246 का यहाँ पे राजेशन बना दिया, ऐसा नहीं बनाया, लेकिन उस 200 के प्रीमियम को वापिस डिके करने के लिए ना उनको 166 तक आना पड़ता है, यानी 200 का प्रीमियम यहाँ पे डिके होगा। तो कौन सा 200 का प्रीमियम डिके होगा वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा 200 का प्रीमियम डिके होने वाला है। तो 44,900 का जो प्रीमियम है ना, 46,200 का जो प्रीमियम है ना, वो डिके हो रहा है यहाँ पर, और वो जा रहा है लोअर की तरफ, पहली बात तो। और वो लोअर की तरफ जाएगा उसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट जो है वो कॉल की तरफ जाएगा। तो आशा रखता हूँ कि एक्यूरेसी आपने मेरे पास सीखी, इतनी इतने टाइम से आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट में ही हूँ, कंप्लीटली प्रॉफिट में, मेरे टारगेट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस वीडियो के बाद में अगर मान लो मेरा कोर्स जो आपको ज्वाइन करना, तो वो जो नंबर है ना मेरा यूट्यूब के अंदर पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। दूसरा आपके पास अगर मान लो डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डीमैट अकाउंट भी आपको मिल जाएगा, और डीमैट अकाउंट की लिंक आपको फोन पे की मिल जाएगी, तो वो पर आपको क्या करनी है वो भी आपको वहाँ से मिलेगी। तो आपके डॉक्यूमेंट आपको खुद ने सबमिट करने हैं, ओटीपी अगर आपको खुद मिल जाएगा, कुछ मान लो दिक्कत आती है तो हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, पहली बात तो, बराबर। तो आशा रखता हूँ कि ये चीज़ सीखो, उसके बाद में आप कमाओ, नहीं कि आप ऐसे ही कमाओ, बराबर, सीख कर कमाओ। यहाँ पर आपको सी मिलेगा, नहीं कि पी मिलेगा, बिकॉज के यहाँ पे है ना उल्टी से उल्टी ट्रेडिंग चल रही है कि 45,600 का सी ने 220 और 247 का हाई दे रहा है, 45,620 247 का यहाँ पर हाई दे रहा है। तो ये देख लो यहाँ पर 425 यहाँ पर हिट हो गया, और ये भी यहाँ पर 46,000 भी यहाँ पर हिट हो गया। कहने का मतलब कि जो 200 की स्ट्राइक थी वो कम, जो प्रीमियम थी ना वो कम करने जा रही थी, ये बैंक निफ्टी जो ऊपर उठ रहा है, देख लो यहाँ से कोई पुट नहीं चल रही है यहाँ से एकदम से ही। तो ये जो मैंने कॉल दिया, जो बिगिनर्स को कॉल दिया, तो ये कॉल्स कहाँ गया, 27,000, 45,800 का कॉल गया, क्या कहाँ पे गया वो देख लेते हैं अपने, 45,800 का कॉल जो कहाँ गया वो देख लेते हैं अपने, अपने पेपर ट्रेडिंग के अंदर ही देखते हैं यहाँ पे जाके। तो यहाँ पे अपने को आसानी रहेगी कि 45,800 का जो कॉल दिया मैंने, 45,800, और ये 800 क्यों दिया पता है आपको, बिकॉज कि 800 है ना वो हेड एंड शोल्डर है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे हेड बनता है। तो ये 27 जुलाई वाला है ना वहाँ पर हेड बनाता है, तो ये हेड बनाता है इसलिए मैंने ये कॉल दिया आपको, और कुछ नहीं, बिकॉज कि ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ तक हेड बनाएगा। तो जब तक 333 नहीं आता तब तक हेड का रुकेगा नहीं यहाँ पे सिलसिला, 333 जब तक नहीं आता है तब तक ये हेड का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। यानी 46,000 का जो टारगेट है वो 245 का टारगेट है, और इसका जो टारगेट है 233, 345 का इसका टारगेट है। इसलिए ये जो है ना मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरने वाला है, क्योंकि हेड एंड पैटर्न की शोल्डर इस तरह हेड बनाने जा रहा है। तो इस तरह से मार्केट ट्रीट करते हैं यहाँ पे। आशा रखता हूँ मेरी इस वीडियो के अंदर आपको मान लो 100% एक्यूरेसी मिली हो, और ये हेड बनाने के लिए जा रहा है, ऐसा नहीं नहीं जा रहा है, ये बार 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 इसलिए पुट दे रहा है बिकॉज कि यहाँ से है ना 15 मिनट का ब्रेकआउट है, अभी इतनी जल्दी ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, बिकॉज कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं काफी सारे लोग,
जो यहाँ पर शॉर्ट लॉन्ग बिगिनर्स के लिए कर रहा है, जो बंदा नहीं बोला अभी मैंने कहा 290 की एसएल लगाओ, 290 की एसएल खाने के लिए जाएगा और वो खाकर वापिस वो 330 देगा, ऐसे 330 नहीं देगा। तो इसको है ना सीख कर ट्रेनिंग करो और किसी ट्रेनर के अंडर में ट्रेनिंग करो ताकि आपको एक्यूरेसी के बारे में पता चले। आशा रखता हूँ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। यहाँ पर अगर मार्केट मेरा इस रजिस्ट्रेशन पर अपनी हेड टॉप बनाने के लिए जाता है बराबर, जहाँ पे मैंने चैनल बनाया ये एसएल का पूरा हिस्सा है, कुड़की एसएल का हिस्सा है, यहाँ पर जाता है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्लास ज्वाइन करने और आपको कमाना है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर, सिर्फ ऐसे ले रही है पूरा का पूरा ये। यानी जो मैंने बोला कि 290 की एसएल तो वहाँ जाके हिट होती है, 290 की हिट करने के बाद में वापिस सी की तरफ आ जाता है ये बराबर। तो इस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग चलता है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया पर, जय हिंद, जय भारत।